बैक पाइपर मैन दिख रहा है, बैक पाइपर मैन ये भाई, कोई तो लिफ्ट दे दो। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे और सुबह के बजने वाले हैं 10 और मैं बेड़ी नाक से निकल रहा हूँ घर की ओर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आज मैं बाय बस यात्रा करूँगा, तो बस में का वेट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में बस आएगी, तो आगे उडियारी बैंड बोलते हैं बैंड तक मैं बाय। सुबह से आज बहुत ख़राब था, बारिश थी, बहुत हैवी रेन थी, जिससे मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बट अभी मैं निकल चुका हूँ। चुनी मुझे जाना है डीडीहाट घर पे, तो मैं तो निकल चुका हूँ। देखते हैं अभी आगे। आप वीडियो को प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। पूरे फिर बारिश आने लग गई यार, और मेरे पास ना रेनकोट है ना छाता है, बट मंजिल का सफ़र तो तय करना ही है, जाना है तो जाना है, ठीक है, कोई भी कयामत आ जाए। बस में वो सामने उडियारी पहुंच जाओ ना, वो बैंड वहाँ पे स्टॉप है, वहाँ पे से मैं शायद बस मिल जाएगी मुझे, आई होप 5-6 साल बाद लगभग बस में ट्रैवलिंग करूँगा। कहीं जो भी छोटे छोटे झरने दिख जाएंगे आपको, ये ठीक है। तो अगर बस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊँगा बाई टैक्सी। भाई मुझे वोमिटिंग की समस्या भी है, गाड़ी पता नहीं बैठ जाता हूँ तो कभी कभी क्या होती है, उल्टी हो जाती है। केवल पहाड़ की जर्नी में होती है मुझे ये समस्या। हाँ, यदि प्लेन में मैं किसी भी चीज़ में भी सफ़र करूँ कोई समस्या नहीं हो सकती, दिखा मुझे पता, बहुत क्यूट लग रहा है। फूल देखो यार, कुदरत की देन देखो, कोई लगाए हुए नहीं है, नेचुरली उगे हैं। छोटे छोटे झरने हैं, इन झरनों का पानी कैसा कैसा नहीं मीठा है भाई। ये देखो भाई, गिंगारू, आड़ू पेड़ू गिंगारू इसी को बोलते हैं, ये जंगली फल है भाई, बहुत खाते हैं, जरा टेस्ट करते हैं। बारिश थी इसी बीच धूप भी खिल गई, वाह, सफर का भरपूर इंजॉय करें यार, यही तो ज़िंदगी जीने का नाम है भाई। ज़्यादा सभी लोग जानते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे भाई, सब कुछ यहीं रहना है, सब कुछ इधर ही रहेगा भाई। मैं लगभग 2-3 किलोमीटर से चल रहा हूँ ऐसे बाई फुट। अब देखो मैं एक ट्राई करता हूँ, कोई आता है तो लिफ्ट ले लेता हूँ किसी से, कोई लिफ्ट देता है तो सही, नहीं देता है तो भी गुड भाई। भाई उडियारी बैंड में पहुँचने वाला हूँ लगभग, थल डीडीहाट जहाँ मैंने जाना है 46 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स यार, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, बस का बस आई नहीं है, ठीक है, मुझे लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है यहाँ पे, वेटिंग है काफ़ी। पहाड़ों में जो है बसों की बड़ी बुरी दशा है यार, कब आएगी कब नहीं आएगी कोई पता नहीं। मैं देखो ये चौराहा, आई एम वेटिंग, और भी वेट करूँगा मैं, देखते हैं इसका टूर कैसा रहता है वो भी देखना है ना। फाइनली मुनस्यारी वाली बस मिली मुझे, मैं इसी में निकल जाता हूँ थल तक, फिर थल में देखूँगा। बस पूरी है खाली, देखो भाई बस पूरी खाली है, कोई पैसेंजर नहीं है। तो यहाँ पे है क्या बना दो, एक 60 रुपये। ये तो लोहा थल का है, मैं तो उड़िया से बैठा हूँ साहब, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। चल चुकी है यहाँ से, तो ये रहा भाई नज़ारा का, अच्छी है। देखो सीसीटीवी भी लगे हैं, यात्रा सुरक्षित है। बहुत थल पहुँच चुके हैं, नदी अपने शराब में बह रही है भाई, ये गई पिथौरा गई तो थल बाज़ार पहुंच चुके हैं भाई। चलो बस में यात्रा करना बड़ा अच्छा रहा भाई, पहुंच चुके हैं हम थल, सड़क का बहुत प्राचीन मंदिर, चलो इसके दर्शन कराते हैं आपको। दीवार देखो यार भाई, यार पत्थरों की दीवार को देखो एक बार, देखो कितना प्राचीन हो गया है ना, ये देखो भाई ये कला है, शिल्प कला,
वही सामने भी वही दिख रहे हैं, सारे वही पत्थर है, पता नहीं कब से लगे होंगे, इतने बड़े बड़े स्लाइस में कटे हैं। ये है भाई थल का प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर है ये, दर्शन कर लीजिए आप भी, ठीक है। चलो मैं दिखाने लायक था।